इससे बड़ा पागल इंसान मैंने नहीं देखा। किस पे गुस्सा आ रहा है तुम्हें जाकिर? हाँ गुस्सा तो आ रहा है बाबा मुझे। क्लब में लड़ाई हो गई मेरी, एक बंदे ने तमाशा लगा दिया। अच्छा? हाँ बहुत लड़ाई हुई और जब मसला सॉल्व हो गया तो उसके बाद पुलिस आ गई। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि क्लब जाकर इंजॉय कैसे करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा चलेगा कैसे ये सब। वैसे हमें कस्टमर्स की हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए क्लब में आने से पहले, क्योंकि इन डांसर्स की वजह से बहुत मसला होता है। बयास। जी साहब। मुझे कॉफी ला दो। जी अभी लाती हूँ। अली कहाँ है बाबा? नहीं है। इस वक्त कहाँ गया हुआ है? सिरमा और जोरा भी गई हैं। सिरमा और जोरा सब? हाँ वो किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं, मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी मैं अखबार पढ़ रहा था और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। शब खैर साहब। शब खैर ब्यास। ये यहाँ रख दूँ? हाँ वहाँ रख दो। लुत्फ अंदोज़ हो। ठीक है ठीक है। मिस्टर हिलमी, हिलमी, हिलमी साहब बात कर रहे हैं। आपसे बर्थडे के लिए केक बनवाया था, तैयार है? ठीक है। लिखा क्या है उस पर? हैप्पी बर्थडे तो होता ही है। हाँ जी वही वही, हैप्पी बर्थडे गणेश, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे गणेश। चलो जरा जल्दी चलना है। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को बैठना चाहिए। चले आ जाएं आप सब लोग। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। चल दिया गुनेश बेटा, हम लेट हो गए वैसे ही, तेज चलो। मैंने इतनी हाई हील्स पहनी है, गिर जाऊंगी कहीं। आप बार बार कह रहे हैं जल्दी चलो। अरे तुम इतनी सारी बातें मत करो, बस जल्दी से चलो। गुनेश आ गई। हाँ
गुनेश बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी अम्मी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। गुनेश, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन आज तो बर्थडे नहीं होता है मेरा, आज ही है तुम्हारा बर्थडे, ये बिल्कुल सच है। अच्छा भाकरी। गुनेश बेटा, अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, बर्थडे सेलिब्रेट करो अपना। गुनेश, अब तो नाराज नहीं होना मुझसे, मुझे हमेशा तुम्हारी बर्थडे याद रहती है बेटा। मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे गणेश। थैंक यू सईद। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जोरा। ये बर्थडे पार्टी इस तरफ है क्या? सर, सीढ़ियों से नीचे लेफ्ट की तरफ जाइएगा। जाकिर। हेलो बाबा। आपको ये पता है कि बर्थडे किसकी चल रही है? आपके पार्टनर नजमी की सौतेली बेटी गुनेश की। हाँ, तो क्या हुआ? उसी पार्टी में सईद और जोरा एंजॉय कर रहे हैं और आपको घर छोड़ दिया गया है। ये क्या बकवास है? हाँ, सच कह रहे हो तुम क्या? आप खुद आकर देख सकते हैं अपनी जीती जागती आंखों से। आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अगर होटल का एड्रेस ना मालूम हो तो मैं बता देता हूं। जब्बार, कर लो अब एंजॉय सब। मुझे आपसे एक काम है। वेलकम सर, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? थैंक्स। मुझे एक रूम चाहिए। सर, डबल बेड चाहिए या सिंगल बेड? नहीं, मुझे स्वीट रूम चाहिए। आप कुछ भी करके अरेंज करें। ठीक है, अपना आईडी दीजिएगा प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड कहाँ गया? ये है शायद। रख लो, सारी दुनिया को इसी आईडी की जरूरत है। थैंक यू सर। और रूम बुक होना चाहिए सईद के नाम पर। रूम 10201। हाँ ठीक है, एक पेपर मिल जाएगा। ये मुझे पेन भी चाहिए होगा। ये ले। शुक्रिया।
लीजिए। सुनो, ये ले जाओ और वहां जो बर्थडे पार्टी चल रही है वहां एक लेडी मौजूद है जिसने रेड कलर का सूट पहना हुआ है, ये जाकर उसे दे दो। जी ठीक है सर। जिसे कहा है उसे ही देना। सुनो इधर आओ, ये देखो उधर एक बर्थडे पार्टी चल रही है, वहां एक लंबा सा छोटे छोटे हेयर कट लिया हुआ फिट सा चौड़ा आदमी होगा, ये तुम्हें उसे जाकर देना है, उससे कहना अर्जेंट है ये। ठीक है। ओके। मिल गया सभी को, ये लो रुवैदा, ये लो। वैसे सब कुछ अरेंज किसने किया? अली ने किया है ये सब। रूम नंबर 10201 में आ जाओ। थैंक यू सईद। गणेश एंजॉय कर रही हो ना? थैंक यू। वैसे सब कुछ अली ने अरेंज किया। अरे वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। इस रूम नंबर पे आ जाओ। थैंक यू जोहरा। हाँ बोलो। मैं आ गया हूं। मैं भी आ गई। मुझे ये नोट मिला था, तुमने भेजा था। मुझे भी यही नोट मिला था। ये तो मैंने नहीं लिखा। मैंने भी नहीं लिखा। आपने अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? तुम यहां क्या कर रही हो जोरा? क्यों झूठ बोला मुझसे तुमने, बताओ?
साजिश कर रहा है यहाँ कोई। अब पकड़े गए हो तो झूठ बोल रहे हो मुझसे। क्या तुम दोनों ने मुझे पागल समझ रखा है? इससे ज्यादा और क्या देखूंगा मैं कि तुम दोनों एक साथ एक रूम में मौजूद हो। क्या मुझे थोड़ी देर से आना चाहिए था? कहो, बेशर्मी की हद है जोरा। क्यों झूठ बोला मुझसे? यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। तुम और जोरा अकेले होटल के कमरे में हो और बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिकरत साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अब भी मुझे बेवकूफ समझ रही हो? हाँ? बताओ और कितना धोखा दोगी मुझे तुम? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया फिकरत साहब। वाकई जोरा, तुमने कोई धोखा नहीं दिया मुझे। बस सिर्फ सईद के साथ थी। क्या कर रही थी तुम आखिर यहाँ? ये रूम मेरा नहीं, आप समझे? वाकई? हाँ वाकई। जी कहिए सर। हेलो, मैं फिकरत कराकिया, सईद से बात करनी है। उनका रूम नंबर बताएंगे आप? मुझे नहीं मालूम। आप लाइन पर रहिए, मैं देख के बताता हूँ। चलो फोन उठाओ, जल्दी करो। हेलो सईद साहब, खुशामदीद। खुशामदीद। हेलो फिकरत करा क्या? अब क्या कहोगे? और कुछ? अब कोई जवाब है तुम्हारे पास बाबा को देने के लिए? अब कहो क्या कहना है तुम्हें। ये रूम तो तुम्हारे नाम पे ही बुक है। साजिश कर रहा है हमारे साथ कोई। हम गणेश की पार्टी में आए थे। इधर दो जोरा, लाओ। जोरा को और मुझे एक ही नोट मिला है जो हमने नहीं लिखा है। देखे इसे। आखिर ये मैं कैसे मान लूं कि ये तुम दोनों ने नहीं लिखा है? हमें क्या जरूरत है खुद ये नोट लिखने की, बताइए। तुमने तो मुझसे कहा था जोरा कि सईद नहीं होगा वहां, लेकिन सईद यहां तुम्हारे साथ है और ये रूम भी सईद के नाम है। माना कि तुम दोनों बहुत होशियार हो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आप सही सोच रहे हैं बाबा। अब सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है इन दोनों को उड़ाने के लिए। लगता है सही वक्त आ गया है जाकिर। ये किस्सा वाकई भी तमाम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बाबा आपने। इन्हें जरा देखें तो बाबा, ये दोनों कितने बेशर्म हैं। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। सब नीचे होटल में गणेश की बर्थडे मना रहे हैं और ये दोनों यहाँ रूम में मौजूद हैं और ऊपर से एक दूसरे की सफाइयां पेश कर रहे हैं। और अब क्या सबूत चाहिए हमें? हाँ बाबा। फिकरत, ये सब झूठ है। तुम बहुत गलत कर रहे हो। धोखा हमने नहीं, तुमने हमें दिया है, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? चलो जाओ, चलो चलो। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो तुम भी। आदिल साहब, ये सईद अचानक कहाँ चला गया? जोरा भी नहीं है। मैं भी इसीलिए फिक्रमंद हूं, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए।
मिसेस शर्मा ने बताया कि जोहरा फिकरत के साथ उर्गुप जा रही है। जी हाँ। अल्लाह खैर करे। आदिल साहब मैं देख के आऊँ क्या? मैं कॉल करता हूँ सईद, एक मिनट। अब लोग निकल जाओ इधर से। तुम इधर आओ अली। आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी सब लोग यहाँ से निकल जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा रहेगा कि तुम उस तरफ चले जाओ। जा। जल्दी निकलो यहाँ से। चलो। निकलो निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाँ तो अब मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। जोहरा और सईद पकड़े गए एक साथ। इस बर्थडे पार्टी के बहाने से हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर अपना सीक्रेट अफेयर चला रहे थे। वो तो वहां हम पहुंच गए और बाबा ने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। अब हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ साफ है सबके सामने। अभी भी किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो, मैं मौका दे रहा हूं। हाँ, बोलना है किसी ने कुछ? इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। सईद बेटा तुम चुप क्यों हो, कुछ कहोगे नहीं क्या? ना ही जोहरा ने और ना ही मैंने, हम दोनों ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमें फंसाने की साजिश कर रहा है और ये सरासर झूठ है। बहुत अच्छा बोल लेते हो, लेकिन ये बताओ कि एक प्राइवेट रूम में तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? आदिल बात सुनो, जरा टीवी ऑन करोगे प्लीज? क्या बात है सईद? ऑन करो भी। क्यों, क्या खबरें देखनी है इसमें? सब्र करो, रुको जरा। करा क्या? आप जरा करीब आ जाइए, मुझे आपसे एक काम है। वेलकम सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? थैंक्स, मुझे एक रूम चाहिए। सर डबल बेड चाहिए या सिंगल बेड? नहीं, मुझे स्वीट रूम चाहिए, आप कुछ भी करके अरेंज करें। ठीक है, अपना आईडी दीजिएगा प्लीज। ये आईडी चलेगा मेरा? रख लो रख लो, सारी दुनिया को इसी आईडी की जरूरत है। थैंक यू सर। रूम 10201। हाँ ठीक है, और रूम बुक होना चाहिए सईद के नाम पर। ठीक है, ये लीजिए। एक पेपर मिल जाएगा मुझे, पेन भी चाहिए होगा। ये ले। शुक्रिया शुक्रिया। खबरें पसंद आई क्या तुम्हें जाकिर? नहीं नहीं यादव, छोड़ दो, से जाने दो, मत करो मत करो। उसे कैसे छोड़ दो सही? और भी बहुत जरूरी है। जोहरा जोहरा, क्या ठीक है ना अम्मी? ठीक है, तुम ठीक हो ना? ठीक है, मैं ठीक हूँ। रोहिदा अम्मी आप ठीक हो? ठीक हो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हो ना? दादा दादा आप ठीक हैं? आपसे पहले कहा था मैंने फिक्र साहब, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। सच है,
हसद में अंधा हो गया था मैं, एक ना समझ बच्चे की तरह। चलो घर चलें। आ जाएं दादा। थोड़ा पानी पिलाओ मुझे। गुनेश तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ शुक्र है, मैं चलती हूँ। ठीक है, सईद, तुम्हें पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कुछ भी? अनजान रहना ही बेहतर था उस वक्त। ठीक है, तुम बेहतर जानते हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुम ठीक हो ना सईद? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। लेकिन तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिली कैसे थी? एक वेटर ने जोरा को वो नोट ला कर दिया। रोटी वहां से चली गई। फिर एक और वेटर ने मुझे एक नोट ला कर दिया जिस पर जोरा की तरफ से लिखा हुआ था, मुझसे रूम में आके मिलो। जोरा क्यों लिखेगी ये नोट? वहीं शक हुआ मुझे। और बस फिर हाँ हो गया काम। जी सर। चलो जबरदस्त, ये रखो तुम, मैं कह रहा हूँ खुशी से दे रहा हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। बाकी तो जो हुआ वो आपने देख लिया। किस किस्म का आदमी है ये जाकिर? कैसा खानदान है ये? तौबा। सईद तुमने एक दफा फिर हमारी जान बचाई है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चले चलते हैं। हाँ चलना चाहिए, चलो। ये गिफ्ट मैं खुद ले आऊंगा, तुम चलो आ जाओ। आदिल बात सुनो, मेरे मैनेजर से बात करना जरूरी है। हाँ फिक्र मत करो, मैं बता दूंगा। मैं आराम करने जा रहा हूं। जोहरा चलो वॉक पर चलते हैं, थोड़ी ताजा हवा खा लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। समझ नहीं आता आखिर बाबा की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, कुछ तो करना पड़ेगा।
आओ यहाँ बैठते हैं। खून ख्वार जानवर बन गए हैं, कैसे बचे हम सब? कुछ तो करना ही होगा अम्मी। शुक्र है कि सईद गुनेश के साथ है, लेकिन हम सब खतरे में हैं उसे एक जाकिर की वजह से। एनीवे, हम सब उर्गुप कब जा रहे हैं? दादा ने कुछ बताया आपको? अभी तक कुछ नहीं कहा। शायद फिक्रत साहब ठीक नहीं है, इतना सब कुछ हुआ लेकिन कभी ऐसे कमजोर नहीं देखा उनको। वो काफी परेशान लग रहे हैं, मुझे भी यही डर है। फिक्रत साहब, वो वकील क्यों आया था, क्या काम था उसे? आज जाकिर ने जो कुछ किया उसके बाद कुछ नए फैसले किए हैं, एक बड़ी तब्दीली की है। अब से फिक्रत साहब की कंपनी की सारी जिम्मेदारियां और अथॉरिटीज आपसे ले ली गई हैं जाकिर साहब। हम कल उर्गुप जा रहे हैं बेटा, तुम्हें गुड बाय कहने के लिए फोन किया मैंने, शायद दोबारा कभी ना कह सकूं।